विवेक प्रकाश ग्रंथ के मूल में कुछ ऐसी बातें हैं जो सबके लिए सार्वजनिक और कल्याणकारी हैं। सद्गुरु कहते हैं हमारे मन सद्गुरु पद लो लाओ, पंच विषय यह देह विनश्वर तासे प्रीति हटाओ। मनवच कर्म जो दोष जनित सब त्याग सकल दुर्भाव, जड़ चेतन नित करे विवेचन सत्संगति में भाव। निज स्वरूप लख जमा यथारथ अटल शांति पद आओ। मत पथ पक्ष विरोध तजे सब जीवहि सत अपनाओ। इस प्रकार से हे मेरे मन गुरुदेव के चरणों में प्रेम करो, पंच विषयों का स्वरूप या शरीर नाशवान है, अतः इसकी आसक्ति को दूर करो। मनवाणी शरीर से जो दोष उत्पन्न होते हैं तथा हृदय की जो अन्य बुरी भावनाएं हैं उसका पूर्ण रूपेण त्याग करो। जड़ देह विकारी चंचलकारी कष्ट रूप मलकूपा, मैं चैतन्य न्यारा रहित विकारा एक रस शांत अनूपा। यह भाव अखंडा क्षण नहीं दंदा एक रस चाल अटूटे, आगे दुख राखे भूल न चाखे जन्म मरण ते टूटे। जिज्ञास को सत्य ग्रहण करने की आवश्यकता है। जहां तक मत पंथ है उसके चलाने वाले जीव ही हैं। ईश्वर ब्रह्म देवी देवता भूत प्रेत की कल्पना करने वाले जीव हैं। वेद कुरान बाइबिल तथा नाना शास्त्रों के रचयिता जीव हैं। ज्ञान विज्ञान के आविष्कारक जीव है। अतएव यह अविनाशी चेतन जीव ही सर्वोपरि है एवं परम तत्व है, ऐसा जानकर एवं सर्व भ्रांतियों को छोड़कर स्वस्वरूप में ही स्थित हो। संसार में जहां तक मानी हुई सुख सामग्री सर्वांग संपन्ना नवयुति सुंदर पुत्र अनुकूल प्राणी पदार्थ भवन घर अटारी और गाड़ी मोटर वाहन ये जगत प्रसिद्धि आदि और जो सब सुख साज है, अंगहीनता दरिद्रता प्राणियों की प्रतिकूलता आदि हैं, सब स्वप्न और दुख का साज है। बाजीगर के तमाशा के समान असत्य होने से यह सब क्षणभंगुर है। अंत में तुम्हारे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। यदि तुम अपना कल्याण नहीं किए तो अंतकाल में पेट भर सबको पछताना पड़ेगा। इसलिए समस्त प्रमाद और दुनिया की इच्छाओं को छोड़ करके आत्म कल्याण में ही लगना चाहिए। कहां ही कबीर पाछे पछताई हो, जाग या घर से जब वा घर जई हो। ये बहुत ही मार्मिक वचन है। कहीं कहीं सूत्र होते हैं जिसे सूक्ति भी कहते हैं, तो ये सूत्र के रूप में है। कहें कबीर पाछे पछताई हो, या घर से जब वा घर जई हो। या घर और वा घर, तो क्या कोई घर का अंतर किया जाता है, बदलाव होता है? घर का बदलने का मतलब शरीर, ये शरीर में ही तो रह रहे हैं आज हम, ये शरीर ही तो घर है। तो इस घर को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर जब हम दूसरे शरीर में जाएंगे तो क्या ऐसा ही शरीर रहेगा? कोई व्यक्ति अपने घर से दूसरे के घर में जब जाता है तो क्या उसका वैसा ही घर वहां होता है? और मान लो घर कोई वही नक्शा से बनवा भी ले तो क्या वैसे ही सब चीजें रखी होती है वहां भी? नहीं होता। इसी प्रकार ये घर से वह घर जब जाएंगे तो कौन जानता है कि हमें आज जैसा मानव शरीर ही मिलेगा,
चार पैर वाले हो जाएं, आठ पैर वाले, 10 पैर वाले, 40 पैर वाले हो जाएं, तब देखते नहीं हैं कैसे कैसे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी होते हैं और कैसे विवशता की जिंदगी जीते हैं। और मान लो हमारे घर जैसा, आज के घर जैसा दूसरा घर भी मिल जाए, हमें शरीर मिल जाए, तो क्या आज जैसे जीवन की दशा है, जैसी चीजें हमारे इस घर में रखी हैं ज्ञान भक्ति विवेक विचार की, तो क्या जरूरी है वहां भी वैसे ही रखी मिलेंगी या रख सकेंगे? हो सकता है हिंसा हत्या दोष दुर्गुण दुराचार भर जाए वहां और वैसा वातावरण मिल जाए, वैसा कुसंग मिल जाए, इसलिए पछताना पड़ेगा। जो करना है आज करना, अपना खास काम जो जरूरी है, जो कल्याणकारी है, वह हमें आज ही करना चाहिए। इस मोह नगरी संसार में मनुष्य बहुत भटक रहा है, भूल गया है, उसे अपने कल्याण का ध्यान नहीं है, उसे जो कार्य करना चाहिए वह उसके विपरीत ही कर रहा है। चारों ओर आग बढ़ी विषय मनोरथ की जरत है, देह वन जीवते ही बीच में, रात दिन हकरी हकरी दुख सही सही, तहु दुख मानत है जीव तन कीच में, जौन काल बोध जो विराग में बितान चाहिए, तौन काल खोवत है बकवाद मीच में, जानत न आज काल बीच में रह, गानगी रवानगी मोह मूढ़ है अभिमान वस मति नीच में। चारों ओर विषयों की आग लगी है और यहां पर ये प्राणियों का देह रूपी जंगल जल रहा है। समय तो बदल ही रहा है, बुढ़ापा तो आकर के जला ही रहा है सबकी शक्ति और जवानी को, और मौत की आग, काल की भी आग लगी है, और सब इसी में हकर हकर सब बड़बड़ गयो, हा मरम न काहू पयो। ये बड़े बड़े धनी मानी पद प्रतिष्ठा में रहने वाले मंत्री मिनिस्टर राष्ट्रपति, और जिनकी हुंकार से पूरा देश थर्रा जाता था, ऐसे लोग भी ऐसे मुंह के बल गिरते हैं और आग में जला दिए जाते हैं, मिट्टी में दबा दिए जाते हैं कि सब जल के खाक और सड़ करके मिट्टी बन जाते हैं। यहाँ क्या रखा है किसी का? इसलिए सारा अहंकार छोड़ करके आत्म कल्याण का काम करें। जिस समय में हमें शांति साधना और स्वरूप बोध का काम कर लेना चाहिए, उसी समय में यहाँ प्रपंच विषय वार्ता और अपने को धोखे में डाले रखता है और सारा सब कुछ किया कराया हार के यहां से चल देता है। ये नहीं जानता है कि आजकल में यहां से रवानगी हो जाएगी। मोह मूढ़ मानो अहंकारवश इन बातों को सोचता ही नहीं है। धर्म का चूका एक दिन धोखा खाता है। एक सेठ देशाटन करने के लिए चला, देशाटन देश में अपने घूमने के लिए चला। उसने मुनीम से कहा, चांदी सोने हीरे रत्न आदि अधिक रूप में ले लो, जिससे परदेश में कष्ट ना हो। वो देशाटन अपने देश में भी घूमा और फिर विदेश में भी गया और दूर दूर उसे जाना था। मुनीम बोला कि चांदी सोने हीरे आदि यात्रा में बोझ हो जाएगा, बहुत वजन होता है, इसको ले करके चलना बड़ा कठिन होगा। ऐसा किया जाए कि कुछ नोट ले लें, कागज के नोट रख लेते हैं और वो सब काम आएंगे। तो सेठ ने स्वीकार कर लिया। वे दोनों अपने देश से चलकर कई देश में भ्रमण करते हुए और एक देश से दूसरा देश पार करते हुए बहुत दूर एक टापू में चले गए। सेठ ने मुनीम से कहा, जाकर बाजार से कुछ खाने पीने की वस्तुएं ले आओ और रहने के लिए किराए का मकान भी किए आओ। मुनीम बाजार में गया, दुकानदार से भोजन का सामान मांगा। मुनीम के कथनानुसार दुकानदार ने वस्तुएं दे दी।
दाम चुकाते समय मुनीम ने 1,000 का नोट निकाला। दुकानदार बोला, अरे भाई यह कागज लेकर के हम क्या करेंगे, यह तो हमारे राज में चलता ही नहीं। यदि आपको वस्तुएं लेनी है तो सोने चांदी के सिक्के दीजिए, हमारे देश में वही चलेगा। बेचारे मुनीम जी करते ही क्या, इधर उधर देखकर सामान अब रखना पड़ा, हाथ मल कर रह गए, कुछ सामान अब ले नहीं जा सकते थे। वहां से मुनीम जी रहने के लिए किराए का मकान ठीक करने के लिए गए तो वही उत्तर वहां भी मिला। मुनीम जी दुखी होकर सेठ के पास आकर सारा समाचार कह सुनाए। सेठ जी ने बड़ी चिंता व्यक्त किया, वहां से डाक तार आदि द्वारा भी रुपए नहीं मंगाए जा सकते थे, कोई सुविधा नहीं। आज तो कुछ व्यवस्थाएं हैं, मनी ट्रांसफर होते हैं और वो बदलाव किया जा सकता है और फोन करके अपने घर से मंगाया जा सकता है, लेकिन उस समय ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी कि घर से मंगाया जा सके। घर में उनके राज्य में राजमहल में सोना चांदी खूब होते हुए भी आज वो परदेश में पड़ गए और कागज के नोटों के भरोसे अपना सब कुछ मानो वो गंवा बैठे, वीरान में जंगल में मानो हो गए। उस देश के राजा का यह कानून था कि जो हमारे राज्य में आ जाए वह 3 वर्ष तक अपने देश नहीं लौट सकता और ना अपने घर से कोई संबंध रख सकता है। इसलिए सेठ जी घूम कर अपने घर भी 3 वर्ष तक नहीं जा सकते थे। अब क्या करें, सेठ मुनीम दोनों किसी दूसरी जगह में जाकर के नौकरी कर लिए और नौकरी भी क्या किए, चमड़े की दुकान पर चमड़ा काटने का काम कर अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन चमड़ा काटते काटते सेठ जी गाते हैं, अहो बहुत मैंने धन जाया, हीरे मोहरे महल भरे, आज काम देते नहीं कोई, हाय देव यह दुख भिरे। तब तो पलंग मसहरी गद्दा नौ वधुओं का प्यारा था, अब तो दिन भर चाम काटते बना गुलाम चमारा का। तब तो खाते पूड़ी लड्डू, अब तो साग सेवारा है, तब तो रेशम खासा मलमल, अब तो बैठे उघारा है। बहुत सरल है इसका अर्थ कि कैसा विचित्र समय आ गया है, हमने बहुत धन हीरे मोती और सोने चांदी आदि कमाए और खूब मालों में भर कर भी रखे थे, लेकिन आज वे काम नहीं दे रहे हैं। आज तो हम दुख में पड़ गए हैं। उस समय पलंग मसहरी गद्दों में सोते थे और सुंदर कोमलांगी नवबधुओं का प्यार मिलता था, लेकिन अब दिन भर चाम काट रहे हैं, चमार की गुलामी कर रहे हैं। उस समय तो लड्डू पूड़ी छुहारा बादाम घी दूध दही श्रीखंड खा खा करके मौज मस्ती करते थे और कहते थे कि वाह, हमारे जैसा धनवान, हमारे जैसा संपन्न कौन होगा। और अब सुखी रुखी रोटी खा रहे हैं। अब तो पहले रेशम के मलमल कपड़े पहनते और आज उघारे उघारे भटक रहे हैं, चाम काट रहे हैं। सिद्धांत यही है, इसका भाव यही है कि यह जीव ही सेठ है और मुनीम मन है। जीव सेठ है, मन मुनीम द्वारा भटकाया जाकर कागज के नोट रूपी घर धन कुल कुटुंब शरीर विद्या आदि मायावी वस्तुओं का मोह करने लगा और उसी को खास धन बताने लगा। किंतु जीव जब मनुष्य तन पाकर त्याग कर दूसरे जन्म में जाता है, तब यहां से घर धन
रूप नोट वहां काम नहीं आते। जीव तो चाहता है कि सदकर्म करें, यही सोना चांदी, सदकर्म ही सोना चांदी हीरे मोती हैं, लेकिन मन कहता है नहीं, क्या जरूरी है, ये बहुत वजन है, बोझा रहेगा, बड़ी मेहनत है ऐसा करने में, ऐसा जीने में, संयम त्याग गुरु भक्ति सत्संग भजन करने में बड़ी मेहनत है, ये बोझा है, इसको बोझा मान लिया, ये मन ऐसा कहता है। तो हल्का क्या है, वो क्या कहता है कि अरे ये घर धन बाल बच्चे पति पत्नी और इंद्रियों के भोग ये सब बड़े हल्के हैं, बड़े प्यारे हैं, ये कागज के नोटों में वो प्रेम करने लगा। तो धर्म पुण्य भक्ति परोपकार आदि सोना चांदी हीरे मोती ही वहां काम देते हैं, किंतु धर्म रूप धन तो उसने पहले से ही त्याग रखा है, अब उसे परलोक में कैसे सुख प्राप्त होगा। वासना रूपी राजा का यह कानून है, जो परदेश का राजा है, वासना रूपी राजा का यह कानून है कि तीन खानियों के कर्म फल भोगों को भोगे बिना जीव अपने देश पुनः लौट नहीं सकता। अपना देश मानव जीवन, यही तो सारी स्वस्थता है, सारी स्वतंत्रता है, लेकिन ये कर्मों के वासना के नियम हैं कि जब पशु बन गए या पक्षी बन गए, कीड़े बन गए, तो वहां फिर तीन खानियों में तो पहले भटकना ही पड़ेगा, तो भटकने के बाद ही फिर आ सकते हैं। भूल भटक नर फिर घट आया, सद्गुरु कबीर ने कहा है कि उन खानियों में भोग भोग कर जा करके अपने कर्मों का भुगतान करने के बाद फिर आता है जीव अपने इस मानव जीवन में। अतः जीव सेठ मन मुनीम के साथ कर्मानुसार चमड़ा काटना रूप तीन खानियों में नाना देह बनाता है। चमड़ा काटने का काम मतलब चमड़े की देह को बनाना, काटना, जीना, रात दिन दुख भोगता है, यहां तक कि तो सब तक ये नवयुवतों युवतियों का विहार नाना धन संपत्ति एवं पंच विषयों के सुख भोग अब वहां काम नहीं देंगे। आज खूब गुलशर्रे उड़ा लें भोगों में अपने को डुबा करके, लेकिन चार दिन के बाद नंगे उघारे निर्लज्ज होकर के घूमेंगे, आज भोगों में डूब रहे हैं, अरे कल तो यथेष्ट निर्लज्ज होकर के जहां कहीं भी भोगेंगे। इसलिए आज वो पशुता को ना अपना करके संयम सदाचार और मर्यादा गुरु भक्ति को अपना करके आज के और आने वाले उन समस्त भयंकर दुखों से बचने का कुछ उपाय कर लें। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आथे संबल कियो न जाए, यहाँ संबल कर ले आगे विषय बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनिया नहीं हाट। जिन लोगों ने संबल राह खर्च इस जीवन यात्रा से जब अगली यात्रा शुरू होगी तो उसके लिए खर्च इकट्ठा करना, संबल का अर्थ होता है राह खर्च, तो आगे जन्मांतर में हमारे कौन सा धन काम आएगा। घर में रखा हुआ धन, जैसे ट्रेन की यात्रा करो तो घर में रखा हुआ धन थोड़े काम आता है, जो हम साथ में रख लिए हैं, पूड़ी सत्तू चबैना सब्जी कुछ भी हो, वही यात्रा में काम आता है। इसी प्रकार यहाँ जो बटोर कर जोड़ कर घर धन आदि रखे हैं ये काम नहीं आएंगे, जो कर्मों की कमाई होगी वो हमारे जन्मांतरों में काम आएंगे, इसलिए कर्मों का धन इकट्ठा करें। आगे अंधेरा हो जाएगा और फिर कर्म नहीं कर सकेंगे, ये मानव जीवन जैसा सुनहला अवसर पुर पट्टन पुर मानव जीवन जैसा ये शरीर और पट्टन बाजार ये फिर से नहीं मिलने वाला, सत्संग रूपी बाजार अन्य खानियों में थोड़े मिलेगा, इसलिए यही सब काम करें, आगे तो केवल विषयों में भटकना है।
वहां संभव नहीं है कि हम धर्म परमार्थ का काम कर सकें और साधना शांति स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। धर्म बिन कोई साथ न जाए, धर्म बिन कोई साथ न जाए, मात पिता कुल कुटुंब भतीजा प्रिय नारी सुखदाई, नात मीत अरु सगा सहोदर सब क्षण में छुट जाए, कुल धन विद्या रूप जवानी ओहदा महल बड़ाई, आज काल में सब छुट जाई हैं कर्म भोग फल पाई, यह तन छोड़ी अन्य तन धारो चौखानिन में जाई, जो धन माल अपन कर राखो सो तह काम न आई, साधु देख तब तो अन खायो कुकरम प्रेम लगाई, अब पशु कीट नरक तन धय धय रोए रोए पछताई, स्वपन समान जगत की माया अंत समय कोई नाई, संभल करो राह कर प्यारे के अभिलाष भुलाई, धर्म बिन कोई साथ न जाए। साहब कहते हैं धर्म के बिना कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है भजन में, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। इसलिए यही हमें आज करना चाहिए और यही संभव है और यही कल्याणकारी है और यही जरूरी है। इसलिए इस दिशा में हमारी रुचि होनी चाहिए, इस दिशा की उन्नति होनी चाहिए और इसकी कमाई के लिए हमें जो कुछ कष्ट सहना पड़े वह कष्ट भी सहना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार से हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए यही कल्याणकारी है और यही आवश्यक है। इस प्रकार से सद्गुरु आज की इस चर्चा में यहाँ पर कहते हैं कि हर नर नारी को आत्म कल्याण के लिए, जीवन सुधार के लिए और मानव तन का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे कि बाद में पश्चाताप ना करना पड़े।